और आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन, मतलब टेक्सटाइल डिजाइन को कैसे बनाया जाता है। तो टेक्सटाइल डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले अवसर देखा जाता है कि हमें किस अवसर पर पहनना है कपड़े को। यदि हम किसी शादी विवाह में पहनने जा रहे हैं कपड़े को, कि किसी परिवार में कुछ उत्सव है, कि कोई त्योहार है, त्योहार मतलब दिवाली का त्योहार है, कि होली का त्योहार है, कि रक्षाबंधन है, ये सारी चीजें देखकर, अवसर को देखकर ही कपड़ों का चुनाव किया जाता है कि हम शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो हमें किस तरह के कपड़े पहनने होंगे, अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो अलग अलग अवसरों को देखकर अलग अलग कपड़ों की डिजाइन बनाई जाती है। अब ये तो हुआ अवसर। दूसरा होता है कि पहनने वाला व्यक्ति कौन है। यदि पहनने वाला व्यक्ति किसी शासकीय कर्मचारी है, या किसी टीचिंग क्षेत्र में है, या कुछ भी बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, तो ये सारी चीजें देखकर ही कपड़ों की डिजाइन बनाई जाती है। अगर जैसे वृद्ध व्यक्ति हैं तो उनके लिए कुर्ता पजामा ज्यादा अच्छा लगता है उनके ऊपर, और कोई जैसे जैसे कि दादी हैं तो उनके ऊपर साड़ी या सलवार सूट, कोई लड़की है तो वो जीन्स टी शर्ट, मतलब अलग अलग परिधान जो हैं उम्र को देखकर और कौन पहनने वाला है, कैसा व्यक्ति है, इसको देखकर भी डिजाइन किए जाते हैं। अब ये तो बात हुई परिधान को, कौन पहनने वाला है, किस अवसर पर पहनने वाला है, और अब बात आती है कि जो परिधान है वो, अब बात आती है कि जो व्यक्ति पहनने वाला है वह किस फैब्रिक से उसे बनाने जाना है, मतलब जो डिजाइन बनाने जा रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो कौन सा फैब्रिक, कौन सा मटेरियल, किस तरह का कपड़ा यूज में लाया जा रहा है, ये तीनों चीजों को देखते हुए, मतलब व्यक्ति, परिधान की क्वालिटी, कौन सा फैब्रिक यूज में लाया जा रहा है, और अवसर, इन तीनों चीजों को देखते हुए ही किसी वस्त्र की डिजाइन को, वस्त्र को डिजाइन किया जाता है। वस्त्र को डिजाइन से मतलब क्या होता है, उसमें छपाई की जा रही है, उसमें रंगाई की जा रही है, प्रिंटिंग हो रही है, क्या हो रहा है कि उसमें कढ़ाई की जा रही है, बुनाई की जा रही है, सिलाई की जा रही है, किस तरह से फैब्रिक को डिजाइन किया जा रहा है, किस तरह से किसी टेक्सटाइल को डिजाइन किया जा रहा है, इसका मतलब होता है मेकिंग ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन। तो अवसर, व्यक्ति और किस तरह का कपड़ा यूज में लाना है, ये सारी चीजों को देखते हुए डिजाइन का निर्माण किया जाता है। चलिए देख लेते हैं डिजाइन के कुछ पहलू हैं, उन पर गौर फरमाते हैं। किसी कपड़े की डिजाइन को विकसित करने के लिए अनुभव, अभ्यास और एक निरीक्षणात्मक यानी कि ऑब्जर्वेटिव नजरिया का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी टेक्सटाइल की डिजाइन को बनाने के लिए बनाने की कुछ विधियां होती हैं। तो चलिए देखते हैं इन विधियों के बारे में। ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन मेथड्स। किसी भी कपड़े को डिजाइन करने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ विधियां इस प्रकार हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्टूडेंट, मेकिंग ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन को किसी भी टेक्सटाइल की डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहली मेथड जो है वो है नमूनों का दोहराव। नमूनों मतलब किसी भी मोटिव को बार बार दोहराना, बार बार उसी डिजाइन को रिपीट करना। तो नमूनों का दोहराव करके भी किसी कपड़े को अच्छी तरह से डिजाइन किया जा सकता है। बार बार एक जैसे फूल, पत्तियां या प्रकृति वाले चित्र आदि डालकर, या बार बार उन्हीं नमूनों को दोहराकर एक नई डिजाइन विकसित की जा सकती है। स्टूडेंट, हमारा दूसरा जो मेकिंग ऑफ डिजाइन का मेकिंग ऑफ डिजाइन की मेथड्स है वो है जाली। मेकिंग ऑफ डिजाइन की जो मेथड्स जाली है, यह एक पारंपरिक विधि है, या पारंपरिक या ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें जाली के अंदर कई छोटे छोटे मोटिव्स बनाए जाते हैं।
स्टूडेंट, जब किसी वस्त्र में एक सी डिजाइन का प्रयोग करना हो या एक सी आकृति की डिजाइन बनानी हो तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें नमूने एक जाली के अंदर व्यवस्थित किए जाते हैं और जो जाली जो होती है, जाली विधि होती है, इसमें विपरीत रंग का प्रयोग करने से आकर्षण और भी अधिक बढ़ जाता है। तो जाली जो हमारी मेथड होती है, वह एक पारंपरिक विधि है और इसमें जो नमूने होते हैं एक जाली के अंदर बहुत छोटे छोटे रूप से व्यवस्थित किए जाते हैं। तो ये थी हमारी जाली पारंपरिक विधि मेकिंग ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन का दूसरी विधि। स्टूडेंट, तीसरी मेथड है दर्पण दोहराओ। दर्पण दोहराओ मतलब, दर्पण मतलब मिरर, तो मिरर को दोहराना। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इसमें जो नमूने होते हैं या जो मोटिव होता है उसको इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वह एक दूसरे की तरह, एक मिरर की तरह या एक दर्पण की तरह लगे। मिरर रूपी डिजाइन इसमें विकसित की जाती है, दर्पण रूपी डिजाइन का इसमें निर्माण किया जाता है। तो ये थी हमारी दर्पण का दोहराव वाली डिजाइन। इसमें नमूने एक दूसरे के विपरीत दर्पण की तरह व्यवस्थित किए जाते हैं। हमारी चौथी डिजाइन, हमारी जो चौथा टेक्सटाइल डिजाइन को बनाने की विधि है, चौथी विधि है वी ड्रॉप्ड ऑफ फोर फोल्ड। फोर फोल्ड नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसे चारों कोनों में दोहराया जाता है, तो इसे कहते हैं वी ड्रॉप डिजाइन। जब किसी डिजाइन को हम चारों कोनों में व्यवस्थित कर देते हैं तो वह कहलाती है वी ड्रॉप डिजाइन। और जो डिजाइन होती है उसे कहते हैं हम एक्स। तो जो वी होता है ये पूरे एक्स का एक चौथाई गुना होता है। तो ये थी हमारी वी ड्रॉप्ड और फोर फोल्ड डिजाइन मेकिंग ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन का चौथी विधि। स्टूडेंट, किसी भी टेक्सटाइल की डिजाइन को या किसी भी फैब्रिक की डिजाइन को डिजाइन करने के लिए डिजाइनर के पास पर्याप्त मात्रा में नमूनों का भंडार का होना बहुत जरूरी है। यदि उसके पास पर्याप्त मात्रा में नमूने हैं तो वह कोई भी डिजाइन आसानी से डिजाइन कर सकता है, पर यदि नहीं है तो वो कहाँ से प्राप्त कर सकता है नमूनों को, या नमूनों के अन्य स्रोत कौन कौन से हैं, या कोई डिजाइनर नमूने कहाँ से प्राप्त करता है, चलिए हम देख लेते हैं। पहला है हमारा प्रकृति। प्रकृति से प्राप्त नमूने जैसे कि पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ और जो भी प्रकृति देन चीज़ें होती हैं, पहाड़ या मैदान या कोई भी ऐसी चीज़ प्रकृति देन जो होती हैं, उनको नमूने के रूप में इस्तेमाल करके एक नई डिजाइन को विकसित किया जा सकता है। दूसरा है हमारा स्मारक। स्मारक जैसे स्मारक में यदि हम ले लें ताजमहल, कुतुब मीनार या कोई भी ऐसी स्मारक या ऐतिहासिक स्मारक या कोई पुरानी धरोहर के रूप में जो स्मारकें होती हैं या भवन होते हैं, उनका उपयोग भी हम नमूनों के रूप में कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारी वस्तुएं। वस्तुओं में को यदि हम देखें तो जो हमारा रोजाना में काम आने वाली वस्तुएं हैं उनका भी उपयोग करके या उनको भी नमूनों के रूप में उपयोग करके नमूना बनाकर हम एक नए डिजाइन को जन्म दे सकते हैं। चौथा आता है धर्म। धर्म की यदि बात करें तो धर्म से जुड़ी हुई डिजाइन या कोई नमूना या मोटिव का इस्तेमाल भी एक नई डिजाइन को बनाने में किया जा सकता है या फैब्रिक को सजाने में किया जा सकता है। धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं बहुत ही ट्रेडिशनल होती हैं और इनसे जुड़ी हुई चीज़ों के नमूने भी जो होते हैं बहुत ही पारंपरिक रूप से इनका उपयोग किया जाता है। धर्म का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है, तो सभी धर्मों को देखते हुए एक नई डिजाइन को जन्म दिया जा सकता है। चौथा है लोक और जनजाति कला। तो लोक और जनजाति कला मतलब जो क्षेत्रीय या देखा जाए तो जो लोकल एरिया के जो जनजाति होती है या वहाँ के किसी क्षेत्र के या किसी विशेष
एरिया को अगर लिया जाए तो वहाँ के जो लोग होते हैं और जो उनकी पारंपरिक जो चीज़ें होती हैं या उनके जो ट्रेडिशनल आर्ट्स होती हैं उनको लेकर भी एक नई डिज़ाइन या एक नए मोटिव या एक नए जो सजाने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करके हम एक नई डिज़ाइन को जन्म दे सकते हैं। और जो डिज़ाइनर होता है यहाँ से भी वह पूरी कोशिश करता है कि वह एक अच्छी डिज़ाइन को बना सके। चौथा पांचवा यदि हम देखें तो छठा यदि देखें तो छठा है कैलीग्राफी। हमारा अगला जो ये हम देखें तो वो है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी कैलीग्राफी में क्या होता है कि यह पेन या पेंसिल या पेन किसी भी ऐसी चीज़ों से मुक्त होती है। कैलीग्राफी जो कला होती है इसमें किसी भी भाषा के अक्षर को लेकर एक डिजाइन का रूप या मोटिफ बना सकते हैं। अगला है शरीर की बनावट। शरीर की बनावट को देखते हुए या शारीरिक गति को देखते हुए एक नई डिजाइन डिजाइनर के मन में अपने आप ही जन्म ले लेती है। अगला हमारा अंतिम है गहने। जो गहने होते हैं अंतिम सोर्स देखें तो वो है गहने। गहने में हम कोई भी डिजाइन देख लें जैसे कान की बाली या आप चूड़ी को देख लीजिए या अंगूठी या बिछिया या कुछ भी कमर चैन उसको देखते हुए एक नई डिजाइन का को बना सकते हैं, एक नई डिजाइन का निर्माण कर सकते हैं। तो जो टेक्सटाइल डिजाइन होती है उसके लिए नमूने हम कई जगह से ले सकते हैं जैसे प्रकृति, स्मारक, वस्तुएं, धर्म, लोक और जनजाति, कला, कैलीग्राफी, शरीर की बनावट और गहने। ये सारे क्या हैं? सोर्स हैं, सोर्स ऑफ डिजाइन, मतलब टेक्सटाइल डिजाइन को बनाने के लिए ये सोर्स का काम करते हैं। और उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट इसी के साथ आपको ये मेकिंग ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन वाला चैप्टर समझ में आया होगा। मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक देना मत भूलिएगा ताकि हम अपना प्रयास जारी रख सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।